बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर उर्दू टीचर सायमा तबस्सुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज आवर सेकंड डे ऑफ उर्दू लिटरेचर लेक्चर फ्रॉम आवर फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 5। चिल्ड्रन, टुडे इज Tuesday and date is 23rd June 2020. I welcome you all here in my class. Students, yesterday I told you few things. I would like to revise them here again briefly. As I requested you, please come with your Urdu books, both literature and grammar, and notebook also. I hope you all are having the things related to our subject. Okay, again my request to you students that you must listen all the lecture attentively. Please take it seriously and develop your interest, and please you are not allowed to create any mess on the screen. Okay, my dear students, please, you are, again I am telling you, you are not allowed to create any kind of disturbance here on the screen by using colors. Please make your class successful. Okay, so first of all I will briefly revise yesterday's work. Okay children, if someone missed, he or she can also understand the content of the work. Aziz bachcho, kal humne hamd ki padhai ki, aapko maine mushkil alfaz ki nishandehi और उनके मायने बताए। हमने सब अशार का मफहूम पढ़ा, समझा, किताब पर सवालात का हल किया, बेटा मैं सब दोहराती हूं, और उसके बाद हमने कुछ काम नोटबुक पर किया था जिसमें खुशखती है, अल्फाज मायनी है, मिसरे और अशार मुकम्मल करना है, खाली जगह पूर की है, हम आवाज अल्फाज भी बनाए हैं। चलिए मैं एक बार इस काम को दोहराती हूं। चलिए आज ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम हम्द की पढ़ाई कर लेते हैं। जो चीज खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई, क्या दूध सी चांदनी है छिटकी, हैरान होकर निगाह छिटकी, जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समान नई बात, मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसने फल लगाए, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कवियों का दिल। जहां पर हमने कुछ अल्फाज के मायने बताए थे, मैं आपको खास अल्फाज के मायने बता देती हूँ। खुशनुमाई खूबसूरती, कुदरत अल्लाह ताला की ताकत, जाहिर नुमाया खुला, जाड़ा सर्दी का मौसम, समा मंजर नजारा, नादिर उम्दा, कवि ताकतवर, कादिर कुदरत रखने वाला। हमने पढ़ा कि शायर ने, इस्माइल मिरेची ने यहाँ पर
हमें ये बताया है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है खूबसूरत है, उसमें खुशनुमाई है, उसने अपनी कुदरत से फूल खिलाए, फूलों को प्यारी प्यारी महक दी, फूलों पे आके परिंदे चहकते हैं, अपनी बोलियों में अल्लाह की तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला ने तारों भरी रात बनाई और रात को जब आसमान पर तारे चमकते हैं तो वो रोशनी सी हर तरफ फैल जाती है, बिखर जाती है, और इस फैली हुई रोशनी को देखकर हर निगाह हैरान रह जाती है, चिटक जाती है। अल्लाह ताला ने दिन को बहुत खूबसूरत सफाई बख्शी, सफाई के मायने यहाँ पर सूरज है, रोशनी दी। अल्लाह ने चार खूबसूरत मौसम बनाए, जाड़ा, सर्दी, गर्मी, बहार, बरसात। बहार फूलों के खिलने का मौसम, बरसात बारिशों के बरसने का मौसम। अल्लाह ने हर रुत में नया मजा, नया समा और नई बात रखी है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से मट्टी के अंदर से बाग उगाए, बागों में उसने तरह तरह के जायकों वाले फल बनाए जो हम खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों पर। और अल्लाह ताला ने हर चीज नादिर बनाई, उम्दा बनाई, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला ताकत वाला है, अल्लाह ताला कुदरत वाला है। तो चलिए देखिए, इसके बाद हमने आपको कुछ बुक पर काम करवाया, आपने सवालात का हल बुक पर किया, मिसरे दुरुस्त करें। मैं पढ़ देती हूँ आपको दो दो मिसालें। उसकी कुदरत से डैश महके फूल, क्या दूध सी डैश है छिटकी चांदनी। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ती हूँ, मुनासिब अल्फाज से हमने मदद ली और इनको हमने मुकम्मल किया। मैं आपके लिए 2 पढ़ देती हूँ। अल्लाह ताला ने दिन को अजब डैश बख्शी है सफाई, हर रुत में नया डैश नई बात, ठीक है, नया समा। उसके बाद हमने कवायद का एक सवाल किया, अल्फाज मुतजाद, मिसाल पढ़ लेते हैं, खुशनुमाई, बदनुमाई, फूल, कांटा, बहार, खिजां, रात, दिन, जाड़ा, गर्मी, नया, पुराना। उसके बाद हमने आपको कुछ काम भी दिए हैं, उनको हमने यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमने जो काम करना था वो है सवालात का हल। प्यारे बच्चों, मेरा पहला सवाल है, हम्द किसे कहते हैं? जवाब आप सभी जानते हैं कि हम्द की तारीफ तो हम छोटी जमातों में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि हम्द में अल्लाह की तारीफ, उसकी दी हुई नेमतों और बनाई हुई कायनात का जिक्र होता है, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के एहसानात का जिक्र होता है, और उसकी जो कायनात के नज़ारे हैं उनका जिक्र होता है, अल्लाह की अजमत और बुलंदी और बड़ाई बयान की जाती है। तो बच्चों, जिस नज़म में ये सब चीजें होती हैं आपको पता होना चाहिए, वो नज़म हम्द है, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की नेमतों का जिक्र और शुक्र। मैं आपके सामने दूसरा सवाल पेश करती हूँ। बच्चों, सवाल ये है कि हम्द से हमें क्या सबक मिलता है? हमने इस हम्द से कुछ सबक हासिल किए हैं जिनको मैं आपके सामने पेश करती हूँ। देखिए, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए, उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए और सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए और किसी को उसके साथ शरीक नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका ये सवाल कि हम्द से हमें क्या सबक मिलते हैं मुकम्मल हो जाता है कि इसमें अल्लाह की अजमत है, बड़ाई है, हमें बयान करनी है, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना है, सिर्फ उसी की इबादत करनी है, सिर्फ उसी से मदद मांगनी है और किसी को उसके साथ शरीक ना शामिल नहीं करना।
अब बच्चों मैं आपसे एक और सवाल भी करती हूँ, आपने इन सबको नोटबुक पर करते जाना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी ये सारी बातें और आपने इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सवाल है कि हम्द में अल्लाह की किन कुदरतों का जिक्र मौजूद है? जवाब ये है कि इस हम्द में अल्लाह की बहुत सी कुदरतों का जिक्र मौजूद है। मसलन उसने अपनी कुदरत से फूलों को महक यानी खुशबू दी, उसने अपनी कुदरत से तारों भरी रात बनाई, उसने इंसानों को चार खूबसूरत मौसम अता किए, खूबसूरत बोलियों रंगों और परों वाले परिंदे पैदा किए और बेशुमार इकसाम के मुख्तलिफ जायकों वाले फल अता किए। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तो आपका ये तीसरा सवाल कि किन कुदरतों का जिक्र मौजूद है, फूलों को महक, तारों को रोशनी, खूबसूरत मौसमों का पैदा करना, खूबसूरत परों और बोलियों वाले परिंदों का पैदा करना, मुख्तलिफ इकसाम के फल अता करना, ये सब चीजें अल्लाह की कुदरत को ही तो जाहिर करती हैं। ठीक है, अब आपने इन तीन सवालों को अच्छी तरह से नोटबुक पर हल करना है बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस के लिए। अब मैं आपको एक क्रिएटिव क्वेश्चन यानी तख्लीकी काम की तरफ ले जाती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने हमें किन नेमतों से नवाजा है, इस पर एक पैराग्राफ लिखें। बेटा आमतौर पर ये सवाल आप खुद किया करते हैं, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर सकती हूँ कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपको मैं बता रही हूँ, और वैसे अब आप हर तरह से इस नज्म को पढ़ चुके, मफहूम भी, सवालात भी, हर मायने भी, तो आप अपने अल्फाज में इसको लिखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं कि अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, मसलन हवा, पानी, सांस, जहन, सोच, समझ, आंखें वगैरह, लेकिन इस हम्द में इन नेमतों का जिक्र है, मसलन फूल, तारों भरी रात, सूरज की रोशनी, चार खूबसूरत मौसम, सर्दी गर्मी बहार खिजा, बागात और उनमें लगे हुए हर किस्म के फल वगैरह। यानी अल्लाह की कौन सी नेमत है जो हमें हासिल नहीं, इसलिए उसकी हर नेमत पर शुक्रगुजार होना चाहिए। तो बेटा आपको मैंने तख्लीकी सवाल में सिर्फ हेल्प दी है, इसको आप मुझसे भी बहुत अच्छा बयान कर सकते हैं। इन तमाम सवालात को नोटबुक पर करने के बाद प्यारे बच्चों आपने घर के काम के तौर पर इस नज्म को जुबानी याद करना है, ऊंची आवाज में अपने वालिदैन को पढ़कर सुनाएं, और इस नज्म में जितना भी काम हमने किया है तमाम काम आप टेस्ट के लिए भी तैयार करें। ठीक है, तो आज हमने सीखा हम किसे कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को। ठीक है, हमने ये सीखा कि हमसे हमें क्या सबक मिले, हमें बहुत से सबक मिले, हमें अल्लाह की इबादत करनी है, से मदद मांगनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना, और अल्लाह की कुदरत का जिक्र भी हमने पढ़ा कि किस तरह उसने अपनी कुदरत से फूल बनाए, उनको महक दी, इंसानों को खूबसूरत मौसम दिए, तो ये सारी कुदरतों का जिक्र आपको मैंने बताया है। बेटा आपका पहला लेसन जो कि हम्द है आज हमने मुकम्मल कर लिया है। आपने तमाम काम कल की तरह आज भी तारीख, दिन, मार्जिन लाइन, उनवान यानी हम, शायद इस्माइल मिरेठी लिखने के बाद आप देंगे एक हेडिंग, सवालात का हल। ठीक है, फिर आप सवालात का हल करेंगे। तो आपने आज के जितने भी काम हैं उनको जुबानी भी और तहरीरी भी दोनों तरह से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम जो भी आज का लेक्चर है उसको आपने बहुत तवज्जो से सुनना होगा और आप तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करेंगे नेक्स्ट टाइम भी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे।
प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, लिसन टू योर एल्डर्स, बी रेगुलर, डू हार्ड वर्क, बिकॉज दिस इज द रियल अचीवमेंट इन लाइफ. हैव अ ग्रेट डे अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट. टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन ऑफ लिटरेचर बुक, राइट? ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक यू. अस्सलामु अलैकुम.